नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं खबर के बड़े असर के साथ। बैतूल में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। आदिवासी युवक की पिटाई के मामले में एक्शन लिया गया है। आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अतिक्रमण कर यहां मकान बनाया गया था। आरोपी सोहराब और रितेश चौहान फरार बताए जा रहे हैं। युवक को निर्वस्त्र कर उसे पीटने का ये मामला है। विधानसभा में मुद्दे को लेकर हंगामा भी हुआ था। बैतूल के कोठी बाजार इलाके का मामला है और आरोपी के घर को जमींदोज किया गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर एक्शन लिया गया है। तो आदिवासी युवक की पिटाई को लेकर विधानसभा में काफी हंगामा भी हुआ था। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषु, आरोपी के घर को जमींदोज किया गया है यहां पर? जी हाँ, देखिए ये एक बड़ा एक्शन है और जितने भी ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो है नई सरकार जो बनी है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, वो भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रखेगी। जो भी बड़े इस तरह के बदमाश होंगे जो अशांति फैलाने का प्रयास करेंगे, इस मामले में भी यही हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नामजद दो आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की, जिसमें सोहराब और रितेश चौहान के नाम शामिल हैं, जिन्होंने युवक को निर्वस्त्र करके उल्टा लटकाकर पीटा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद दोनों पर नामजद FIR हुई है और अभी कुछ देर पहले नगर पालिका की सहायता से इस जो सोहराब है उसके आजाद वार्ड, जो शहर का आजाद वार्ड है, वहां पर उसके घर का जो अतिक्रमण वाला हिस्सा था, तकरीबन 125 स्क्वायर फीट के हिस्से में जो घर अतिक्रमण में बनाया गया था, उसे जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन और पुलिस का ये कहना है कि लगातार इस तरह का एक्शन जारी रहेगा और इस तरह की जो लोग दहशत फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल जो है जिस जगह अतिक्रमण हटाया गया, सिक्योरिटी भी लगाई गई है, भारी पुलिस बल तैनात है किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। पुलिस का ये कहना है कि दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश भी जारी है। जी, आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही जा रही है। फिलहाल ये एक्शन यहां पर हुआ है। वही आरोपी के जो परिवार वाले हैं, क्या उनसे कोई बात हो पाई है ऋषु? जी हाँ, देखिए आरोपी से भी बात की गई थी। उसका ये कहना था कि उसे 16 दिसंबर 2023 के दिन उल्टा लटका करके पीटा गया था निर्वस्त्र करके, और आरोपियों ने उसे धमकी भी दी थी कि यदि वो पुलिस के पास जाएगा तो पीड़ित की बात नहीं कर रहे, पीड़ित को निर्वस्त्र कर पीटा गया था। मैं आरोपी की बात कर रही हूँ जिनके घर पर ये एक्शन हुआ है। आरोपी से ही बात की गई थी। उसका ये कहना था कि उसे बुरी तरह से दहशत में ला दिया जो है आरोपियों ने। उनका ये कहना था कि अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो उसे गोली मार दी जाएगी, इसलिए वो दहशत के कारण नहीं गया था। लेकिन अभी जिस तरह से दो दिन पहले भी एक अन्य युवक का भी वीडियो सामने आया था पिटाई का और उस पर पुलिस ने एक्शन लिया, तब जाकर जो इस मामले में जो पीड़ित है उसने पुलिस से शिकायत की, SP को खुद ये वीडियो उपलब्ध कराया और अब आरोपियों कड़ा एक्शन हुआ है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।